दूसरी नहीं आई, दूसरी नहीं आई, वो नहीं आई, आप ही आए।
बोलिए श्री भागे हरिलाल की जय, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए श्री राधा रानी की जय। श्री राधे में वृंदावन के ब्रज को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे।
आप गुरुजी को बुलाने के लिए सबसे पहले चित्त को एकाग्र करना चाहिए। आपका यदि चित्त सही है तो चरित्र सही बन जाएगा। भगवान चरित्र पर ही रिश्ते हैं, चित्त तो सबके पास में होता है, लेकिन चित्र यदि आपका सही रहेगा तभी आपका चरित्र बनेगा, चरित्र बनेगा तब गोपाल आपको ले जाएंगे। आइए मन को एकाग्र करके श्री राधा रानी के चरणों में लगाएंगे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे। Thank you.
हरे कृष्ण ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने शिष्यमत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नित्य नामिने सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तुत शिष्यमत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करते हुए उपस्थित वृंदावन साय समस्त भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत है और यहाँ पर जितने भी उपस्थित भक्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज हमारे घर गुरुदेव आए हैं और जहाँ पर कीर्तन और साक्षात गुरुदेव आ जाते हैं तो साक्षात गोलोक हो जाता है, अर्थात इस समय ये वृंदावन में बैठे हम लोग और यहाँ पर जब कीर्तन होता है तो श्री कृष्ण वहां पर बड़े प्रेम के साथ उस कीर्तन का आस्वादन लेते हैं। कहा जाता है जब हरिनाम करता है भक्त तो प्रभु कान लगा करके सुनते हैं, जैसे आराम कर रहे हैं ठाकुर जी अभी और एकदम से हरिनाम हम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम उसको जप करते हैं मन मन में तो प्रभु थोड़ा सा उठते हैं कि मेरा भक्त मेरा नाम ले रहा है और जब भक्त उसे जोर से उच्चारण करके बोलता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है उठ करके बैठ जाते हैं, अरे ये तो बड़ा उत्साह के साथ मेरा नाम ले रहा है। और जब कीर्तन करते हैं भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, तो ठाकुर जी साक्षात नृत्य करते हैं, भक्त की जीवा पर नृत्य करते हैं और साक्षात प्रकट होके भी नृत्य करते हैं। तो ऐसे ही आज यहाँ पर वृंदावन में हमारे गुरुदेव आए और कृष्ण यहीं पर विराजमान है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में कौन कौन नहीं जानता वो हाथ खड़ा करेंगे, जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं जानता है, सब जानते हैं ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु की ही थोड़ा सा कथा सुनेंगे। चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हुए मुरारी गुप्त जी, ये साक्षात हनुमान जी के ही अवतार है, जो श्री रामचंद्र जी की सेवक हनुमान जी हैं, वो ही गौर लीला में चैतन्य महाप्रभु के निज गण बन के मुरारी गुप्त हुए और मुरारी गुप्त नवदीप में जब चैतन्य महाप्रभु अनन्य भक्तों के साथ श्री गंगादास जी की पाठशाला में जाते थे तो मुरारी गुप्त भी जाते थे और मुरारी गुप्त बड़े ही मेधावी छात्र, चैतन्य महाप्रभु से थोड़े से बड़े थे उम्र में लेकिन मेधावी बहुत थे और चैतन्य महाप्रभु तो उस समय जब तक गया होकर के वापस नहीं आए उससे पहले बड़ा ही उद्दंडता दिखाते और वैष्णवों का मजाक उड़ाया करते थे। तो वहां पर जब मुरारी गुप्त जी किसी भी वेद शास्त्र के किसी श्लोक की व्याख्या सुनाते तो हल्का सा विनोद करते महाप्रभु उनका मजाक उड़ाते और मन मन ही गदगद करते, अपने हृदय में खुशी मनाते कि मुरारी गुप्त ने कितना सुंदर तरीके से व्याख्या की। और फिर ये क्या करते महाप्रभु विनोद में मजाक में उस श्लोक के कई अर्थ बना देते जिसमें उस अर्थ को मायावाद तत्व दे करके ही निराकारवाद प्रकाशित करके उसको प्रकटित करते और बाद में खुद ही खंडन करके उसको स्थापित करते कि ये सारे के सारे वेद और वेद के श्लोक और वेद शास्त्र जो हैं साक्षात नारायण के लिए हैं और फिर नारायण को स्थापन करते कृष्ण को स्थापन करते कि कृष्ण के लिए सब कुछ है। कहते वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परायोगा वासुदेव पराक्रिया, मतलब समस्त प्रकार की जो वेद है और उनसे हमें प्राप्त करने के लिए वस्तु क्या है वो वासुदेव, वासुदेव से ही हम वो आनंद की अनुभूति कर सकते हैं
और जितने प्रकार के यज्ञ हैं वो मखा बोलते हैं यज्ञ को, जितने प्रकार के यज्ञ हैं वो भी वासुदेव को संतुष्ट करने के लिए, और जितने प्रकार के योग हैं यदि योग में वासुदेव के लिए नहीं किया जा रहा है तो वो योग निरर्थक निरर्थक हो जाएगा। योग है किसके लिए? वो वासुदेव के लिए। तो ये सारी बात हमें जाननी चाहिए। इस प्रकार से मुरारी गुप्त उनको जब अपनी व्याख्या सुनाते महाप्रभु को तो महाप्रभु उनका स्पर्श करके कहते बहुत अच्छा सुनाया, चिंता नहीं करो। स्पर्श से ही उनके मुरारी गुप्त के शरीर में सात्विक विकार उठ जाते, रोमावली खड़ी होना और अश्रु तक उनके आंखों में नमी सी आ जाती। वो कहते ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये इस जगत का व्यक्ति ही नहीं, हो ना हो ये प्रभु का कुछ ना कुछ इसके अंदर आवेश। ये सोचते तो थे लेकिन उसे समझ नहीं पाते थे। जब गया जाकर के महाप्रभु ईश्वर कृपाद से दीक्षा ग्रहण करके आए तो अब नटखटता उन्होंने बंद की और पूर्णतया गंभीर हो गए। गया से जब आए तो श्री कृष्ण के विरह में यहां पर आए और हमेशा चारों दिशाओं में उन्हें कृष्ण नजर आते, हे कृष्ण कहके दौड़ पड़ते। और उनके जो वहां पर नवदीप के भक्त थे श्रीवास आदि और एक मान पंडित, नाम भूल गया मैं उनका, वो उनको जाकर के रोक करके थामते। तो मुरारी गुप्त जी उनसे मिलने गए तो मुरारी गुप्त जी जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु आपको ये क्या हो गया? तो महाप्रभु ने कहा कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कृष्ण कृष्ण चाहिए। वहां नवदीप के लोग जो पहले से ही जो वैष्णवों से चिढ़ते थे, महाप्रभु से चिढ़ते थे, उन्होंने कहा कि इनको तो भूत लग गया है, इनको कुछ नहीं हुआ, इनको भूत लगा है। तो श्रीवास जी और मुरारी गुप्त ने जब उनके पास खड़े हुए तो महाप्रभु ने कहा सब नवदीप वासी ये बोल रहे हैं कि मुझे कोई ऐसी शक्ति या भूत पिशाची लग गई है जिससे मैं पागलों की तरह इधर उधर दौड़ता हूं, क्या सच में ऐसा है? तो श्री वास जी और श्री मुरारी गुप्त ने कहा कदापि नहीं, हम जैसा चाहते थे वैसा अब आप कर रहे हैं, आपको कोई भूत भूत नहीं लगा, आपको भूतनाथ लगा है, कृष्ण कृष्ण का जो प्रेम है वो प्रकटित हुआ है आपके अंदर। कहा श्रीवास जी का हाथ पकड़ के महाप्रभु ने, श्रीवास आज तुमने मेरी मेरे शरीर की रक्षा कर ली, नहीं तो अभी मैं आत्महत्या कर लेता यदि तुम भी मुझे नहीं समझ पाते तो, सच में तुम मुझे समझे। तो इस प्रकार से अब श्रीवास आंगन में रोज रात्रि में चैतन्य महाप्रभु और उनके जो भक्त हैं वो रात्रि में बहुत सुंदर कीर्तन करते, और वो कीर्तन ऐसा होता कि पूरी रात्रि चलता, अनधिकारी व्यक्ति को आने की कोई परमिशन नहीं थी। उसमें समय बीता और जब प्रगाढ़ता भक्तों के अंदर प्रगाढ़ता आई और महाप्रभु के अंदर गंभीरता आई तो एक समय वो चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त के पास पहुंचे, उनके घर पर जाकर के, और कहने लगे तुम श्रीवास जी के यहां पर आज आना और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो और मैं कौन। ये कहकर जब आए तो श्रीवास जी के यहां पर इन्होंने श्रीवास जी के यहां पर आकर के इन्होंने अपना भगवत स्वरूप दिखाया, अपने आप को श्री रामचंद्र जी और सीता मैया और लक्ष्मण आदि से घिरा हुआ, और हनुमान तो नहीं थे लेकिन और अन्य जितने भी बंदर थे उन सब को वहां वंदना करते पाया। तो हनुमान जी जो साक्षात मुरारी गुप्त थे देख करके एकदम विस्मित हुए, आश्चर्यचकित हुए, और एकदम से उनको स्मरण हो आया ये तो मेरे ठाकुर जी साक्षात श्री रामचंद्र हैं, और उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और वहां पर वो बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद जब महाप्रभु उनको उठाया तब उन्होंने बताया कि हाँ अब तुम जो है श्री रामचंद्र जी का ही भजन करते हो और अब श्री रामचंद्र जी का ही भजन करना, लेकिन
सर्वश्रेष्ठ भजन है भगवान श्री कृष्ण का। अब ये उपदेश जब महाप्रभु ने दिया तो मुरारी गुप्त जो है पूरी रात्रि सो नहीं पाए। क्यों नहीं सो पाए? क्योंकि रात्रि भर वो सोच रहे मेरे इष्ट श्री रामचंद्र हैं और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा हुई है कि श्री कृष्ण भगवान का भजन करना चाहिए, वो सर्वश्रेष्ठ ईश्वर तत्व है, तो मैं क्या करूं क्या ना करूं। ये सोचते सोचते सुबह पुनः महाप्रभु के चरणों में आकर निवेदन किया, महाप्रभु आपने तो कहा कि श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए, श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई ईश्वर तत्व नहीं है, आपकी बात को नहीं मानता हूं तो आपकी अवज्ञा होगी और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों से यदि अपना शीश हटाता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाएगा, इससे अच्छा है महाप्रभु मैं आपके समक्ष अपने प्राणों की आहुति दे दूं, यहीं अपने शरीर को समाप्त कर लूं। तब महाप्रभु ने आलिंगन किया, उनको कहा नहीं मुरारी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे इष्ट श्री राम हैं, तुम राम की ही पूजा करो, तुम्हारा जो नित्य जो स्वभाव है नित्य दासता श्री रामचंद्र जी की है। तो इस तरीके से मुरारी गुप्त के माध्यम से बताया अनन्य भाव से भक्ति करनी चाहिए, यदि कोई राम भक्त है तो राम की ही करनी चाहिए, ऐसे अन्य किसी और की ओर धावित नहीं हो चाहिए, यहाँ तो साक्षात कृष्ण की ओर वो नहीं मुड़े और हम लोग ऐसे हैं एकदम से किसी भी देवी देवता की ओर मुड़ जाते हैं। तो अनन्यता मतलब होता है न अन्य किसी और की नहीं, एकमात्र एक ही तत्व की, अर्थात कृष्ण की कर रहे हैं तो कृष्ण की भक्ति, राम की कर रहे हैं तो राम की भक्ति, एक ही बस। तो एक दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु पास पास बैठे थे, तो मुरारी गुप्त आए, पहले उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरणों प्रणाम किया, उसके बाद नित्यानंद प्रभु के चरणों प्रणाम किया, तो महाप्रभु ने कहा ये ठीक नहीं किया। तब उन्होंने बताया कि तुम जो है गुरु तत्व को पहले प्रणाम करो, कि नित्यानंद प्रभु कौन है, अखंड गुरु तत्व और महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण। जब बताया तो नित्यानंद प्रभु का उन्होंने साक्षात दर्शन कराया, क्या दर्शन कराया, नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी हैं और चैतन्य महाप्रभु उनको चावड़ से डल रहे हैं, उनका हवा कर रहे हैं। तो ये देख करके वो समझ गए कि बलराम प्रभु है नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं, ये अखंड गुरु तत्व है। तो अगले दिन जब वो आए तो उन्होंने पहले किसको प्रणाम किया, नित्यानंद प्रभु को, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु। तो इनके माध्यम से बहुत सारी शिक्षा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो एक बार सब बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार इनके घर चैतन्य महाप्रभु गए और वहां पर वरा भगवान का आवेश में और पूर्णता उसी को प्रकटित करते हुए उनके घर में घुसे और जिसमें मुरारी गुप्त जिसमें जल पीते थे उस घड़े को उन्होंने अपने मुंह से उठाया जिस प्रकार से वरा भगवान ने पृथ्वी को उठाया। ये देख करके मुरारी गुप्त उनको बारंबार प्रणाम करने गए। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब मुरारी गुप्त को ये दर्शन दे रहे थे इस तरीके का, तो मुरारी गुप्त उनको ये कहने लगे प्रभु आप जो है इस प्रकार के जो मुझे दर्शन दे रहे हैं आप सबको क्यों नहीं देते हैं। ये देख करके एक दिन शिवाज जी के यहाँ पर 7 प्रहर तक चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग भगवान के 2400 अवतार का उन्होंने अपने आप में प्रदर्शन किया, जिस जिस भाव से जो जो भक्त वहां पर आया उसको वैसा वैसा दर्शन दिया, वहां पर वरा भगवान का, वहां पर राम भगवान का, वहां पर नारायण का इत्यादि, धीरे धीरे सारे उन्होंने अपने स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप के अंदर अपने हृदय के अंदर अपने शरीर के अंदर सबको प्रकाशित किया। बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय, मुरारी गुप्त प्रभु की जय, वंचा कर्तुज कृपा वृंदावन बिहारी लाल की। बलसे वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलो, ये बढ़िया प्रसाद माता जी ने बढ़िया प्रसाद बनाए। बलसे वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय श्री राधे। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बढ़िया दिन है, माता जी नाम क्या है,
प्रभु जी का नाम क्या है तुम्हारे? रामपाल प्रभु। और उनकी धर्मपत्नी का नाम? विमलेश। आज इन्होंने अपना घर में संतों को बुलाए हैं और घर में हरि कीर्तन, घर में हरि कथा हो रही है। इसलिए हमारे शास्त्र कहता है सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्र जथा चुतादर कथा प्रसंग। मतलब है जिस दिन घर में सत्संग हो, साधु लोग आए, घर में हरि कथा हरि चर्चा हो, कहते पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है, पृथ्वी में कितना तीर्थ है? कितना तीर्थ है बोलो? बोले 6 अरब तीर्थ है। कितना? 6 अरब तीर्थ है पृथ्वी में। कहते उसी घर में ये सारे तीर्थ आ गए और हम लोग उनके घर में बैठ करके सारे तीर्थ में नहा लिया है। बल्कि तीर्थ में नहाने से भी ज्यादा महत्व है। तीर्थ में नहाओगे लेकिन ऊपर का थोड़ी सी पाप दूर होता है, फिर घर में आकर के फिर वही पाप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सत्संग रूपी गंगा में अगर कोई स्नान करेगा ना, ऊपर तो धूल जाएगा और उसको साथ साथ में हृदय भी पवित्र हो जाएगा, हृदय भी निर्मल हो जाएगा है। इसलिए आज हम लोगों का बहुत अच्छा दिन है। देखो हमारे प्रभु जी है, हमारे प्रभु जी साधारण होते हुए भी रामपाल प्रभु जी, लेकिन जब जब हम आते हैं अपना घर में साधु संत को बुलाते हैं और जो प्रसाद बनाते हैं ना, वाह सबको फेल कर देते हैं हाँ? जो प्रसाद बनाते हैं हाँ, सबको उन्होंने फेल कर देते हैं प्रसाद में। इतने बढ़िया प्रसाद, दिल से इतने बढ़िया प्रसाद बनाते हैं हाँ? इसलिए समझो ठाकुर जी की इनके ऊपर में बड़ी कृपा है, ठाकुर जी की इनके ऊपर में बड़ी कृपा है। इसलिए बोले ना सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग भी दूर घर खाई, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। देखो श्री सूरदास जी कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बहुत तरह तरह का बंधन है लेकिन सबसे बड़ा बंधन क्या है? प्रेम का बंधन। भगवान प्रेम से जितने वशीभूत हुए हैं उतना वशीभूत और किसी में नहीं हुए। इसलिए कृष्ण जब शांति दूत बन करके दुर्योधन के पास में आए, दुर्योधन ने क्या किया था? छापन भोग 36 व्यंजन हैं बना करके रखा था। बोलिए ग्वाला इसको खिला पिला करे तो हम संतुष्ट कर देंगे, अपना पक्ष में ले लेंगे। इसलिए दुर्योधन ने कहा देखो आज स्पेशल रोसेया मैंने बनाया हैं, बना करके तुम्हारे लिए छापन भोग 36 व्यंजन बनाया, तुम पहले घर में खा लो। कृष्ण ने कहा देखो लोग 3 जगह पे खाते हैं। कितनी जगह पर खाते हैं? कहां कहां पर बताओ? कौन बोलेगा? हाथ उठाओ। पहला नंबर कोई अगर मित्र हो ना, भैया मित्र घर में आए खाना खा लो। दुर्योधन ने कहा कि मैं आपका मित्र नहीं। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले जो पांडव हैं ये मेरे भक्त हैं, मेरे भक्तों का जो मित्र है ना वो मेरा मित्र है और मेरा भक्तों का जो शत्रु मैं उसका शत्रु हूँ है। इसलिए तुम पांडव का मित्र नहीं, तुम पांडव का शत्रु हो, इसलिए तुम मेरे मित्र नहीं। दूसरे स्थान पर खाता है अगर भूख लगे तब कोई खा लेगा है, भूख लगे, लेकिन मैं तो आत्मा राम और आप तो काम हो, मैं पूर्ण हूं, मेरे को कोई भूख भूख कुछ है नहीं है। ओम पूर्ण मदह पूर्ण विदम, तो पूर्ण स्वयं है इसलिए मेरे को भूख नहीं। तीसरे जगह पर खा लेता है। बोले कहां पर? बोले जिस काम के लिए आप जाते हो अगर वो काम अगर पूरी हो जाए ना, हम क्या सोचते हैं भैया जिस काम के लिए आए थे काम बन गया चलो भोजन कर लेते, लेकिन मैं जिस काम के लिए आया था किसके लिए? पांडवों का शांति दूत बन करके, उनको ज्यादा नहीं चाहिए कुछ, केवल उनके 5 गांव दे दो। बोले 5 गांव? बगैर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन देने के लिए तैयार नहीं। 5 गांव की बात करते हो हैं? 5 गांव की तुम बात करते हो इसलिए। लेकिन भगवान ने वहां पर भोजन नहीं किया। कहां पर भोजन किए? उन्होंने विदुर जी के घर में जाकर भगवान ने, जब विदुर जी के घर में पहुंचे, विदुर नहीं थी विदुरानी, वहां पर विदुर जी बाहर गए थे, घर कौन थे? विदुरानी वहां पर थी। भगवान
अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है, लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा करती हैं, कहते एक लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी सहस्र शतसम ब्रह्म सभ्यमानम, जहां पर हजार हजार लक्ष्मियां जहां झाड़ू लगाती है, जिस वृंदावन में जिनकी चरण की सेवा करते हैं, उनका अगर कोई देख ले हैं, अरे मेरे घर में दुनिया विश्व ब्रह्मांड का मालिक मेरे घर में आए, वो तो बाबरी बन गई, ठाकुर को कहां बैठाओ, कहां आसन दो, वो तो ढूंढ रहे हैं यहाँ बैठाओ ना, यहाँ बैठाओ ना, अपना दिल में बैठाओ, किसी तरह से ठाकुर जी को बैठाए, बैठा करके ठाकुर जी को क्या खिलाएंगे, खिलाएंगे क्या, देखा घर में केला है, और केले लाकर क्या कर रहे थे, प्रेम में इतने बाबरी बनी हुई थी, प्रेम में इतने गदगद हो रही थी, प्रेम में ठाकुर जी को छिलका खिला रही थी और केला फेंकते जा रही थी। थोड़ी देर बाद में विदुर जी आ गए, बोले बाबरी तो क्या कर रहे हो, ठाकुर जी को केले का छिलका खिला रहे हो, ठाकुर जी की केले का छिलका तो खिला रहे हो, अभी वो तो उसका होश नहीं था, वो तो प्रेम में भीगी हुई थी, प्रेम में डूबी हुई थी, ध्यान आया, भैया मैं क्या कर रही हूँ, केला केले फेंकते हुए केले का छिलका खिला रही हूँ। उसने केला खिलाना शुरू किया, कृष्ण ने कहा विदुर जी पहले केले के छिलके में जो आनंद आ रहा था ना, स्वाद आ रहा था, अभी केले में वो स्वाद नहीं आ रहा है, देखो मैं केला भी नहीं खाता हूँ, छिलका भी नहीं खाता हूँ, मैं तो केवल प्रेम ही भजन करता हूँ, मैं केवल मैं प्रेम भजन करता हूँ, इसलिए देखो हमारे रामपाल प्रभु जी हमारे घर में साधु संतों को बुला करके, साधारण स्थिति होते हुए भी कितने बड़े बड़े लोग कहीं होते होंगे, लेकिन जब जब हम आते हैं तब तक संतों को बुलाते हैं, संतों को बुला करके बढ़िया बढ़िया प्रसाद, चकाचक प्रसाद है, संतों को चकाचक प्रसाद खिलाते हैं, भक्तों को हाँ प्रसन्न करते हैं, इसलिए मैं तो देख देख कर दंग हो जाता हूँ, देख देख कर मैं दंग हो जाता हूँ, देखो किसी साधारण अवस्था में कैसे हाँ भक्तों को खिलाते हैं। देखो शास्त्र कहता है, अगर कृष्ण खुद कहते हैं, अगर मेरे को प्रसन्न करना चाहते हो, भगवान खुद कहते हैं, बोले ना अहम इज्जा प्रजाति, कृष्ण स्वयं कहते हैं ना अहम इज्जा प्रजाति तपस उपसमनेवा तुस्य अहम सर्वभूतात्मा गुरु सुश्रुषयता। जिस समय सुदामा कहां पर गई, द्वारका में गई, और जिस पलंग के ऊपर में लक्ष्मी को साथ में भगवान विश्राम करते हैं, उसी पलंग में सुदामा जी को बैठा दिया, बैठा करके उनको कृष्ण एक एक बात को उनको याद करा रहे थे, याद करा रहे थे, बोले सुदामा तुमको याद है, बोले किस चीज की, किस चीज की याद है, बोले जिस समय हमारी गुरु माता हम दोनों को लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजा, लकड़ी की गठिली हम दोनों लेकर सर पर खड़े, इतने घना घोर बारिश आई, हाँ ऐसे बारिश आई, चारों तरफ में पानी पानी, ऊंचा नीचा दिख नहीं रहा है, लेकिन जो लकड़ी की गठली सर से हमने नीचे नहीं फेंका, क्यों, फिर ठाकुर जी के लिए खाना कैसे बनेगा, भगवान स्वयं जिनकी केवल एक इशारा पर हैं विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है, कितने बोले जस्य प्रभा प्रभवतो जगत दंड कोटि कोटिसु अशेष वसुधात विभूति वर्णम, केवल एक इशारा होने पर एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है। आज ओ प्रभु गुरु सेवा की शिक्षा देने के लिए उन्होंने सर पर लकड़ी की गठली लेकर खड़े हैं। अभी शाम हो गया, कृष्ण सुदामा आए नहीं, गुरु जी ढूंढते ढूंढते आए, बोले सुदामा कृष्णा तुम कहाँ हो, बोले गुरु जी हम यहाँ पर, वो वहां क्या कर रहे हो, बोले भगवान कहाँ पर है, लेकिन सर के ऊपर से लकड़ी की गठली नीचे नहीं फेंका, गठिल लेकर दोनों खड़े हुए, बस जब शांति बनी, ऋषि देखा है ना खुश हो गए, खुश होकर के दोनों को सर पर हाथ रखे, हाथ रख करके दोनों का आशीर्वाद दिया, बोले बच्चो जाओ तुमने ऐसे गुरु जी की सेवा किए है, तुम दोनों को मैं आशीर्वाद देता हूँ, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तेरी नाम जगत में अमर हो जाएगा। देखो अभी भागवत में उनके नाम अमर हो गया ना, जहां जाओ कृष्ण सुदामा की कथा सुनते हैं, कृष्ण सुदामा की, क्यों, उनने गुरु जी की संतों की उन्होंने सेवा की है, इसलिए कृष्ण स्वयं सुदामा जी को कहते सुदामा न अहम इज्जा प्रजाति तपस उपसमनेवा, मैं पूजा पाठ व्रत से जितने संतुष्ट नहीं होता हूँ, और जितने संतुष्ट होता हूँ
गुरु सेवा को द्वारा मैं जितने संतुष्ट होता हूँ, संतों की सेवा से जितना संतुष्ट होता हूँ, और कोई चीज मेरे को इतना संतुष्ट नहीं कर सकते। क्यों? बोले संतों के हृदय में भगवान की निवास है, संतों के हृदय में भगवान को निवास है। जब संत खुश हो जाते ना, घर में साधु संत जब प्रसाद पाकर खुश हो जाते, ठाकुर अपने आप खुश हो जाते, ठाकुर जी अपने आप खुश हो जाते हैं। इसलिए हमारे रामपाल प्रभु, उनकी धर्म पत्नी, उनको सारे बच्चे पुत्र, देखो सबके सब भक्त है, गले में कंठी माला तिलक है, ये सबके सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं। आज जिस घर में एक बच्चा भक्ति करता है ना, कहते तो उनका 21 पीढ़ी उधार हो जाता है। कितना पीढ़ी उधार हो जाता है? 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं। और इनका पूरा परिवार ही भक्त है, सबके सबके गले में कंठी माला तिलक, सबके सब भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए समझो आज हम श्री सुदामा जी के घर में आए, कहां पर गए? विदुर जी के घर में, और सुदामा जी के घर में आज हम आए। इसलिए और इनका जो बच्चे लोग इतने, देखो इनका जो बेटा है मंदिर में आता है, कीर्तन करता है, हरिनाम करता है, भजन करता है। उनका जो बेटी बहुत अच्छी है भक्ति, बचपन में जो कथा सुनने के लिए मंदिर में आना, भक्तों की सेवा करना, इनके पूरा परिवार भगवान के भक्त है। इसलिए हम ठाकुर जी के आशीर्वाद देते हैं, ये खूब फलते फूलते रहे, खूब साधु संतों की ऐसे सेवा करे, और खूब भक्ति करे, और खूब आनंद में रहे। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। ठीक है, प्रसाद तैयारी है? अच्छा, भोग लगा दी, लगा दिया? हाँ ठीक है, पीछे पीछे तक कीर्तन कर दो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम अरे बजाओ क्या कर रहे हो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बजाओ बजाओ। निताई गौर जय, निताई गौर जय, I'm gonna go.
श्री गिरिराज महाराज की, सर्व विघ्न विनाशन कर नृसिंह देव की, भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की, बल सपरिकर गौर हरि की, बल रामपाल प्रभु की, उनके पूरा परिवारों की, जय जय श्री राधे श्याम श्री गुरुदेव की।